इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला सहित तीन बच्चों को बंधक बनाने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और बच्चों को आरोपियों से मुक्त कराया। मामले में पुलिस ने बच्चों के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के खंडवा निवासी सेवानिवृत्त एक अधिकारी ने तेजाजी नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि लिम्बोदी में रहने वाली एक महिला और उसके बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया है। जानकारी लगते ही तेजाजी नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक महिला और उसके तीन बच्चों को, जिसमें एक बालक और दो लड़की शामिल हैं, उनको आज़ाद कराकर थाने लेकर पहुंची और उनके बयान लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता और चाचा द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने महिला सहित बच्चों का मेडिकल करवाया, साथ ही पिता और चाचा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी RD कानवा के अनुसार मुख्य आरोपी बच्चों का चाचा है और वही पिता चाचा का सहयोग करता था, जहां पर बंधक बनाकर महिला और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल बंधक बनाने की कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सर, कोई बच्चों को बंधक बनाया था, क्या है पूरा मामला और कहां की घटना है और कौन है आरोपी? खंडवा निवासी एक रिटायर्ड व्यक्ति की सूचना मिली थी कि उनकी बहन को और उनकी भांजियों को और भांजे को जो है उसके उनके पिता और चाचा द्वारा बंदी बनाकर रखा हुआ है और 15 दिन से मारपीट कर रहे हैं। उस सूचना पर थाना तेजाजी नगर से महिला सब इंस्पेक्टर और टीम ने जाके जो है उनको जाके चेक किया तो और उनसे उनको थाने लाकर उनसे चर्चा की गई, पूछताछ की, उनके कथन लिए, तो उसमें पाया कि जो है वो दोनों लड़कियाँ, दोनों बालिग हैं और एक नाबालिग बालक है, उनको उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई और उनको उनसे मोबाइल, दोनों लड़कियां जॉब करती थी उनके जॉब छुड़ा दिए गए, मोबाइल ले लिए गए और अनावश्यक रूप से संदेह करते हुए जो है उनके साथ में मारपीट की गई और उसके कोई आधार नहीं थे इस तरह से संदेह करने का। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में जो है वो 294, 323, 344 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया और दोनों आरोपी जो बच्चों के पिता हैं और चाचा हैं, चाचा मुख्य आरोपी चाचा हैं और संरक्षण फादर का भी रहता था उनके, तो चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहाँ से वो जेल चले। सर, जब घटनास्थल पर पहुँची थी पुलिस तो किस प्रकार के माहौल था वहाँ पर? सामान्य रूप से था, लेकिन जब बच्चों को लाए तो वो इतने डरे हुए थे, मारपीट से इतने डरे हुए थे कि वो बताने में आसानी से जो है बहुत ही एबनॉर्मल थे। उनका मेडिकल भी कराया गया और एक लड़की ने, जो उनमें से एक लड़की थी, उसने शिकायत की कि मेरी मारपीट से, मुझे इतनी मारपीट और इससे मैं डिप्रेशन में आ गई, जिसके कारण मुझे पूरे शरीर में कंपन होता है और वो कंपन देखा भी गया कि उससे सीधे खड़े नहीं होते बन रहा था, ऐसी स्थिति थी। कहाँ के निवासी? ये लिम्बोदी के रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।